अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन शानी किचन। और आज शानी किचन में मैं बनाने जा रही हूँ चिकन नगेट्स की रेसिपी। तो शुरू करते हैं। इसलिए मुझे तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो ये हैं: एक किलो चिकन बोनलेस है, बोनलेस चिकन, एक कप वाइट वाले ब्रेड क्रम्स, एक कप ऑरेंज वाले ब्रेड क्रम्स। इन दोनों ब्रेड क्रम की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। एक टेबलस्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्चें पिसी हुई, एक टेबलस्पून सफ़ेद मिर्चें पिसी हुई, डेढ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, एक टेबलस्पून से सोया सॉस और एक टी स्पून सिरका। रेसिपी को शुरू करते हैं। नगेट्स बनाने के लिए मैं पहले एक किलो चिकन है ये बोनलेस, उसको मैं ब्लेंडर में डालूंगी। डेढ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, एक टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, एक टेबलस्पून नमक, एक टेबलस्पून सिरका, डेढ़ टेबलस्पून सोया सॉस, एक कप वाइट वाले ब्रेड क्रम्स जो कि हमारे पास वाइट वाले हैं, एक कप ब्रेड क्रम्स। अब हम इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह ब्लेंडर कर लेंगे। को ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह। ये मैंने अच्छी तरह से नगेट्स का बैटर बना लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। अब मैं इसमें ये 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के अच्छी तरह हाथों से मिक्स करूँगी। 3 टेबलस्पून, और हाथों में भी थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि ये खुशक ना रहे और अच्छी तरह से इसके हम नगेट्स बना सकें। ये मैंने इसको आटे की तरह नरम नरम भून लिया है। ये देखिए, इस पर मैं ऑयल की थोड़ी सी ग्रीस करके तो थोड़ी देर रेस्ट देंगे, 10-15 मिनट, फिर इसके बाद इसके नगेट्स बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं फनाया शानी किचन से। आप देख रहे हैं मामा का चैनल शानी किचन। आप मेरे मामा के चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी रेसिपीज मिलती है। थैंक यू, बाय बाय। नगेट्स की जो कोटिंग के लिए मुझे चाहिए चीज़ें होंगी वो ये हैं: 2 अंडे मैंने इसमें तोड़े हैं, इसमें मैं 1 पिंच नमक डालूंगी यानी 1 चुटकी, 2 टेबल स्पून ये मेरे पास नमक दूध है सॉरी ये डालूंगी। पहले थोड़ा मिला के देखते हैं और इसको अच्छी तरह फेंट लेना है। ये जो चिकन का बैटर था मैंने अपने हाथ ऑयल से ग्रीस कर लिए ताकि ये मेरा नगेट्स बनाते हुए हाथों पर चिपके ना। अब मैंने इसको एक मुट्ठी में उठाया इस तरह से, कुछ शेप बनाने के लिए अच्छी तरह इसको कबाब की शक्ल बना लें। शेप आपकी मर्जी, जैसी मर्जी बनाना चाहें। और नगेट्स की थिकनेस भी आपके ऊपर है कि आप जितना मर्जी इसको हैवी बनाना चाहते हैं या पतला बनाना चाहते हैं। नगेट्स मैंने तैयार कर लिए हैं इस तरह से शेप बना के। अब मैं इसकी कोटिंग करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं ये कॉर्नफ्लोर में इसको हल्का हल्का सा डिप करूँगी, मतलब इसको कॉर्नफ्लोर लगाऊँगी। फिर इसको मैं ये एग जो मैंने बैठ इसको अंडे में डालूँगी। और ये मैंने नगेट्स की कोटिंग करके लगा दी है, ये देखें। अब मैं इसको ओवरनाइट या 7-8 घंटे इसको फ्रीज कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप इसको अभी फ्राई करेंगे तो ये सारी कोटिंग निकल जाएगी। बेहतर रिजल्ट के लिए आपको चाहिए इसको आप ओवरनाइट फ्रीज करें और उसके बाद इसको डीप फ्राई करें। तो मैं इसको फ्रीज करने जा रही हूँ, फ्रीज जब हो जाएंगे फिर मिलती हूँ। ये मैंने नगेट्स उसको मेरे तैयार हैं हमारे नगेट्स, इसको मैंने ओवरनाइट फ्रीज कर लिया था। अब मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ।
ये देखें नगेट्स तैयार हैं, ये काफ़ी फूल भी गए हैं। अब अगर मैं इसको इससे ज़्यादा फ्राई करूँगी तो ये इसकी शक्ल काली हो जाएगी, तो इसलिए मैं निकालने लगी हूँ। मज़ेदार चिकन नगेट्स तैयार हैं, इसे आप अपने घर में बनाएं। ये देखने में भी कितने खूबसूरत है और ये बने भी बहुत ही मज़ेदार हैं। रमज़ान में भी अफ्तारी में बनाएं और इंजॉय करें। और मुझे ये इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।